हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल देव ऑनलाइन हेल्प। दोस्तों, अगर आप यूजी, बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए एडमिशन लेना चाहती हैं या फिर पीजी कोर्सेज, एमए, एमएससी, एमकॉम के लिए एडमिशन लेना चाहती हैं फर्स्ट सेम के लिए 2021 और 22 के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन बटन है उसे भी ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, आज से यूजी और पीजी के जो है एडमिशन स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये प्रवेश प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो चुकी है। अब आपको देखिए किस प्रकार से क्या प्रोसेस रहेगी एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ई प्रवेश पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। सबसे पहले फ्रेंड, इस साइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको प्रवेश प्रक्रिया के बारे में डिटेल्स मिल जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कराना होगा स्टूडेंट का। इसके बाद आपको आवश्यक जो भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपको पोर्टल पर अपलोड करना होगा, और आपको महाविद्यालय और आपको अपने जो विषय आप लेना चाहते हैं उसका आपको चयन करना होगा। इसके बाद आपको अपने कॉलेज से दस्तावेज़ों का सत्यापन कराना होगा, अगर आपके फॉर्म पर नॉट वेरीफाई लिखा आएगा तो ठीक है, अगर आपका वेरीफाई लिखा आता है तब आपको कुछ भी सत्यापन नहीं कराना होगा। इसके बाद आपकी मेरिट एवं जो सीट आवंटन है वो जारी की जाएगी। तो मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप अपना सीट आवंटन या फिर अलॉटमेंट लेटर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आपको अपना शुल्क का भुगतान करना होगा, जो कि आप स्वयं कर सकते हैं या फिर किसी भी क्योस्क या ऑनलाइन शॉप के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आपका एडमिशन जो है कंफर्म होगा। तो अब आपको प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित क्या क्या यहाँ पर सावधानियाँ रखनी है, और आपको पंजीयन में बिल्कुल भी कोई भी गलती नहीं करानी है। अगर कोई भी अगर आपके फॉर्म में गलती हो जाती है तो आपको जो है बाद में इसकी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको पूरी डिटेल्स यहाँ पर हम दिखा देते हैं। तो इस साइट पर आने के बाद आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं, आप किस कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है आफ्टर ट्वेल्थ क्लास के बाद, और पीजी कोर्सेज के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर पाएंगे। इसके बाद आपको अंडर ग्रेजुएट यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी इन सभी कोर्सेज की यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे इस पोर्टल के माध्यम से। इसके बाद अगर आप एमए, एमएससी, एमकॉम, LLB, LLM इन सभी कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तब आपको PG कोर्सेज के लिए यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन कराना होगा अपना काउंसलिंग के लिए। ठीक है, तो ये था पूरा आपका यहाँ पर डिटेल्स। अब आपको हम दिखा देते हैं इसकी जो नियम पुस्तिका या रूल बुक्स है, तो इसमें आपको कब आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, आपकी मेरिट लिस्ट कब जारी होगी, एंड आपको चॉइस फिलिंग कब से कब तक करा सकते हैं, अलॉटमेंट लेटर के बारे में पूरी डिटेल्स यहां पर आपको मिलेगी, और जो CLC राउंड होते हैं उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड, 40 पेज की ये PDF रहेगी, जो कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई है। ठीक है, एडमिशन प्रोसेस को लेकर तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो इसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन प्रवेश सन 2021 और 22, यहाँ पर आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा नियम पुस्तिका में, किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, अपने डॉक्यूमेंट किस टाइप से अपलोड कराना है, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट लगेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो और किस प्रकार से आपको महाविद्यालय आवंटन होगा, तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर इसमें डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी की आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं आयु संबंधी डिटेल, पोर्टल की जानकारी मिल जाएगी, आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में डिटेल्स मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको क्या क्या सब्जेक्ट यहाँ पर आप चूज़ कर पाएंगे, तो इन सभी के बारे में आपको पूरी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इस PDF में दी गई है। इसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल करके इसमें फीस के बारे में डिटेल्स देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या रहेगा, बाकी डॉक्यूमेंट सत्यापन के बारे में भी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। और हम आपको नीचे स्क्रॉल करके दिखा देते हैं इसमें जो इन्फॉर्मेशन है, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे टोटल 40 पेज की ये PDF रहेगी। यहाँ पर आपको जो यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षण के बारे में आपको यहाँ पर एज जो दिया है डिटेल्स यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें बाकी की जो डिटेल्स है तो इसमें आपको देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट वगैरह है A, B और C तो इसमें आपको जो है यहाँ पर देख लीजिए 2%, 3% और 4% तक आपको जो है यहाँ पर मेरिट लिस्ट में छूट मिल जाएगी एडमिशन के लिए। इसके बाद आपको यहाँ पर अदर डिटेल्स हम यहाँ पर नीचे देखेंगे,
तो यहाँ पर आपको कार्य दिवस और यहाँ पर आपका कैलेंडर के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा प्रवेश प्रारंभ 1 अगस्त से हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इसके। और क्या यहाँ पर शिक्षण कार्य कब से स्टार्ट होगा, 1 सितंबर से, ठीक है, आपके महाविद्यालय स्टार्ट हो जाएंगे। एंड यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के बारे में जो समय सारणी है वो यहाँ पर मिल जाती है। ऑनलाइन पंजीयन आप 1 अगस्त यानी आज से करा पाएंगे, 12 अगस्त तक, और पीजी के लिए भी आप इसी डेट में करा पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सीट आवंटन के लिए डेट दी हुई है और फीस पेमेंट के लिए आप जो है 20 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक अपनी फीस पेमेंट करके अपना एडमिशन कंफर्म करा पाएंगे। पीजी कोर्सेज के लिए आप 14 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक अपनी फीस पेमेंट करके एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं। इसके बाद इसका सेकेंड स्टार्ट होगा राउंड, जो कि 27 अगस्त 2021 से स्टार्ट होगा और पीजी कोर्सेज के लिए 21 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। तो इसमें भी पूरी डिटेल्स आपको समय सारणी मिल जाएगी, कब से कब तक आपके अलॉटमेंट और चॉइस फिलिंग होगी, फीस पेमेंट कब तक करनी है, डॉक्यूमेंट क्या, वेरिफिकेशन और कब तक कराना है, सब कुछ मिलेगा। इसके बाद आपको सीएलसी राउंड जो है स्टार्ट होगा 16 सितंबर से लेकर, ठीक है, और पीजी कोर्सेज के लिए स्टार्ट होगा 14 सितंबर से। तो यहाँ पर आपको सीएलसी राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट के काफ़ी सारे डाउट और कमेंट रहते हैं, ठीक है, जिनके काफ़ी सारे सवाल से रहते हैं प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन अलग से दिया है सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न, यानी कि जो भी छात्रों द्वारा प्रश्न रखे जाते हैं, ठीक है, प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित, तो उन सभी प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे और उनके उत्तर भी जो है उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर दिए गए हैं। तो आप एक एक करके अपने यहाँ पर प्रश्न रीड कर सकते हैं और इनके अनुसार आपको अपनी जो भी प्रवेश प्रक्रिया है उससे संबंधित आपके पूरे डाउट यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपको लास्ट में मिलेगा लगभग 40 पेज से लेकर 48 पेज के बीच में। तो यहाँ पर आप अपने पूरे देख सकते हैं, यहाँ पर किसी स्टूडेंट द्वारा सवाल रखा गया है क्या पंजीयन फॉर्म में रुटी या सुधार संभव है, तो यहाँ पर देख सकते हैं उच्च शिक्षा विभाग ने यहाँ पर कहा है कि हाँ इसमें बिल्कुल सुधार आप कर सकते हैं, ठीक है, आप लॉगिन करके अपनी आईडी से और सुधार कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आपके पूरे यहाँ पर डाउट यहाँ पर क्लियर किए गए हैं। तो इन सभी को आप रीड करके अपनी जो भी प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित डिटेल्स है वो चेकआउट कर पाएंगे। इसके अलावा हम आपको समय सारिणी और दिखा देते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर यूजी कोर्स या पीजी कोर्सेज के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पर हम साइट ओपन होने तक। तो देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर आवेदकों हेतु यूजी पाठ्यक्रम में ऑनलाइन प्रवेश के लिए पंजीयन फॉर्म भरने संबंधी यहाँ पर कुछ निर्देश आ जाएंगे, तो इन्हें आप रीड कर पाएंगे। इसके बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन ये सभी रीड कर लेना है और आपको लास्ट में आ जाना है स्क्रॉल करके। यहाँ पर आपको चेक मार्क कर देना है और यहाँ पर आपको आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अभी ऑनलाइन एडमिशन की यहाँ पर लिंक एक्टिवेट नहीं हुई है, जो कि 12 बजे के बाद आपको लिंक यहाँ पर एक्टिवेट कर दी जाएगी। इसके बाद आप यहाँ से अपना न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको मिलेगा बाकी सारे ऑप्शन, यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन आईडी जान पाएंगे, अपना यहाँ पर पासवर्ड फॉरगेट कर पाएंगे, अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे और अपना यहाँ पर पासवर्ड चेंज वगैरह कर पाएंगे। यहाँ पर आपको समय सारिणी के बारे में यहाँ पर डिटेल्स मिल जाएगी, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने पूरी डिटेल्स आ चुकी है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के बारे में या चॉइस फिलिंग के बारे में। तो रजिस्ट्रेशन आप देख सकते हैं 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक करा पाएंगे, चॉइस फिलिंग भी 12 अगस्त तक हो पाएगी, डॉक्यूमेंट आपको 2 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक अपने वेरिफिकेशन कराना है, एडिट करा पाएंगे आप रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट राउंड के लिए 1 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक। इसके अलावा जो अलॉटमेंट लेटर है आपका या रिप्रिंट कर पाएंगे आप फर्स्ट राउंड का 20 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक, और ऑनलाइन फीस सबमिशन भी आप 25 अगस्त 2021 तक कर पाएंगे। तो ये है आपका एक पूरा डिटेल्स और पूरा आपका यहाँ पर समय सारिणी विवरण। एंड आपको रूल बुक कहाँ से डाउनलोड करना है तो वो हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, रूल बुक का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप उस नियम पुस्तिका या रूल बुक को डाउनलोड करके पूरी डिटेल्स रीड कर पाएंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।